कैसे हो यासिन तुम? ठीक, यूनुस इस घर में है, इंतजार कर रहा हूँ। क्या इस घर में? कैसे मुमकिन है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे बाहर देखा है। ये कैसे मुमकिन है? घर में दाखिल होने के बाद वो निकला ही नहीं। यासीन, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आ जाओ, चलते हैं। या अल्लाह। क्या हम उस लड़के को पकड़े? रुक जाओ, हमें खुद ही ये फैसला नहीं करना चाहिए। वो लड़का कहाँ जा सकता है? मुझे भी नहीं पता। आतिश, बचो, हटो। यासीन, आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो मेरे भाई। यासीन, आंखें खोलो मेरे भाई। मैं जा रहा हूं मेरे भाई। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? ये दो गोलियां हैं, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। बकवास बंद। रुको, याद है तुम्हें दी गई रोटी चोरी हो गई थी और तुम्हें उसकी सजा मिली थी। 3 दिन भूखा सोता रहा। वो मैंने चोरी की थी आतिश। मुझे माफ करना आतिश। तुम्हें कुछ नहीं होगा यासीन। तुम कैसे मर गए हो? खून का एक कतरा भी नहीं है। मुड़ना जरा यासीन। बुलेट प्रूफ। क्या तुम डर गए? ये किस तरह का मजाक है? क्या तुम वाकई खौफजदा हो गए थे? मुझे देखने दो। ओए ओए, बच्चा डर गया। और मैंने सोचा कि तुमने वाकई मेरे लिए जान दी। इतने अच्छे हो तुम। यार अब ऐसी बातें मत करो। जैकेट नहीं भी पहनी होती तब भी तुम्हारी हिफाजत करता। तुम पागल हो? मैं तुम्हें जैनी अस्पताल लेकर जाऊंगा। जैनी अस्पताल? पागल हो तुम? तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। सुनो, अपना हाथ दो। उन्हें पता चल गया है कि हम पीछा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस दफा वाकई गोली मार देंगे। चलो अस्पताल लेकर जाता हूं, तुम्हें जरूरत है अभी। चलो जवानों, उठो उठो उठो, जल्दी उठो, काम आ गया, जल्दी उठो। अरे सो क्या रहे हो? उठो जल्दी, जल्दी करो। क्या कोई ऑपरेशन है? तुम क्या सब पहन के सोते हो? हाँ, आप लोग ऐसे नहीं सोते? कम से कम जूते तो उतार लिया करो। मैं क्या करूं, जूते उतारने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहना हुआ है। अरे भाई ये क्या? ओ वाह। चलो शाबाश, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। ये आदमी तो ख्वाब में भी जंग लड़ता होगा। अच्छा उठो, तैयार हो जल्दी। हाँ। Thank you.
कामयाब हो गए। पांच मिनट और 12 सेकंड, जबरदस्त। ताखीर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आंख झपकने जितना वक्त भी तुम अपने दुश्मन को हरगिज नहीं दे सकते। जिन लोगों से तुम मुकाबला कर रहे हो वो लोग धोखेबाज हैं, बुजदिल हैं, बहुत बेरहम और सफाक हैं, किसी लोमड़ी की तरह चालाक हैं। तुम्हें उनसे ज्यादा चालाक होना पड़ेगा और उनसे ज्यादा मोहताज भी। कप्तान से बात हो गई है, उन्होंने अनकरा में बात कर ली है, एक बयान जारी कर दिया जाएगा। वो ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं कमांडर? ये एक नफसियाती जंग है यूसुफ, और बदकिस्मती से गैर अखलाकी भी वो ऐसा करने पर मजबूर है। वैसे भी उन्हें पता है कि खबर झूठी है, लेकिन वो हमें कातिल दिखाना चाहते हैं। तो क्या हम कातिल हैं? यकीनन हम नहीं है। तो फिर मुतमईन रहो और काम पर तवज्जो दो। यूनुस को पकड़ने का वक्त आ गया है, उसका ठिकाना पता है? जी हाँ, लेकिन यासीन और कुएं के कहने के मुताबिक मकान पर मुहाफिज हैं, यहां तक कि वो कल एक मुसल्लह तसादुम में शरीक थे। मैं जानता हूं, मुझे यकीन है कि उसके पीछे भी चौलाक का हाथ है। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है, तो फिर तैयार हो जाओ। मुझे वो लड़का हर सूरत चाहिए। जो आपका हुक्म कमांडर। अंदर है, लेकिन उसके आसपास मुसल्ला अफराद है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अंदर है? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। जानते हो ना क्या करना है? जानता हूं। हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। शुक्रिया। पहले ये काम कर लो, उसका हिसाब बाद में लेना। हथियार डाल दो।
किसी को कुछ नहीं होगा। खाली है, ये भी खाली है। जनाब रुक जाइए। बम लगा हुआ है, जल्दी करो, वो सुरंग से फरार हो जाएंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा। बेवकूफ फौजी, काफी इंतजार कराया, फंस गए। फौजियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ तुम्हारी नजर में आए बगैर कैसे निकल गया? क्योंकि वो इस घर से नहीं किसी दूसरे घर से निकला होगा, मतलब सुरंग के जरिए। अब समझे ना, घर के नीचे एक सुरंग है, हमारे वहां पहुंचने पर उन्हें पता चल जाएगा कि हम आ रहे हैं। वो सुरंग से भागेंगे और हम उन्हें दूसरी तरफ से पकड़ लेंगे। क्या तुम समझ गए? जी जनाब समझ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यूनुस को जिंदा पकड़ना है। खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम लोग हिम्मत मत हारना, बाहर आओ और मर्दों की तरह लड़ो हमसे। तुम चुप करोगे जरा? हम हथियार नहीं डालेंगे। हो गया जनाब। बिच्छुवन बिच्छुटू सुन रहा है, हम सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। वो अंदर है, हमसे लड़ेंगे। लड़के को जिंदा पकड़ना। समझ गया सर। गोली चलाओ। एक काम करो, यूनुस को सुरंग से लेके भागो जल्दी। सुरंग से आ रहे हैं। उस फौजी की टीम यहां है और उन्होंने हमें घेर लिया है। उन्होंने यूनुस के घर पर छापा मार दी। यूनुस, या तो मर जाओ या मार दो। हथियार बिल्कुल भी मत डालना, हो सके तो खुद को गोली मार देना। अब क्या करें? अगर यूनुस पकड़ा गया तो? नहीं पकड़ा जाएगा, समझे? नहीं पकड़ा जाएगा। यहाँ सब क्लियर है। यूसुफ कहाँ है? कहाँ है वो? वहीं रुक जाओ, रुको, रुक जाओ।
ऐसा मत करो। यूनुस रुको, ऐसा मत करना। मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। देखो रुक जाओ, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। देखो यूनुस, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। प्लीज वो बॉम्ब तुम मुझे दे दो, ठीक है? सर एहतियात से पीछे रहे आप। हथियार नीचे रख दो। हथियार नीचे करो। लेकिन जनाब। नीचे करो। यूनुस। कितने साल के हो तुम? 17 साल। तुम्हारे आगे एक तवील जिंदगी है यूनुस। तुम मुझे मार दोगे। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं वादा करता हूं। करीब मत आना, करीब मत आना। क्या तुम्हारे वालदैन जिंदा हैं? हाँ। क्या तुम्हारी मौत पे वो गमगीन नहीं होंगे? जरूर होंगे। देखो हम तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं आए, कभी नहीं। मुझे मालूम है कि तुम गुस्से में हो, मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता है, हम सबको आ जाता है। ये मुल्क हम सबके लिए है यूनुस, हम भी यहां आकर खुश नहीं हैं, लड़ना नहीं चाहते। तुम लोग मुझे मार दोगे। हम नहीं मार रहे यूनुस, हम सिर्फ तुम्हारे दरमियान कातिलों को मार रहे हैं। खुद अपनी जान लेके तुम्हें क्या फायदा होगा? हाँ देखो जाके अंदर जो लाशें हैं, कोई उनके लिए गम नहीं कर रहा, शायद उनके वालदैन गमगीन हो। चलाक ने तुम्हें क्या करने को कहा? खुद को मारने का कहा ना? हाँ मैंने देखा यूनुस, उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, अंदर जो मर गए उन्हें भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है यूनुस, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। ये मुझे दे। लाओ दो, मुझे लाओ दो।